हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की ताज़ा खबर यह है कि भारत की दो कंपनियां काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI कंपनियों ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भारत में बनाया है। यह सोलर ट्री का जो स्ट्रक्चर है वह एक पेड़ की तरह है, जिसे आप फोटो में देख सकते हैं। इनमें जो मॉड्यूल लगाए गए हैं वह एक सिंगल पिलर के ऊपर लगाए गए हैं, जो एक सुंदर कलाकृति के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करते हैं। यह सोलर ट्री CSIR और CMERI की जो दुर्गापुर में रेसिडेंटल कॉलोनी है, इसमें यह स्ट्रक्चर लगाया गया है। और यह एक सोलर ट्री भी की तरह पूरा स्ट्रक्चर बनाने में 7,50,000 रुपये लगते हैं। और इनमें 35 फोटोवोल्टिक PV मॉड्यूल आते हैं, और यह पूरा सोलर ट्री 330 वैट की कैपेसिटी का है। यह सोलर ट्री इस तरह बनाया गया है कि इसमें दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सूर्य की किरणें पड़ते रहे। डॉक्टर हरीश हिरानी, जो इस संस्था के डायरेक्टर है, उन्होंने यह बताया है कि वह सोलर ट्री जिसकी कैपेसिटी 111.5 KV है, वह एक साल में करीब 12,000 से 14,000 किलोवाट पर हावर स्वच्छ इलेक्ट्रिक पावर बनाता है। और वह यह मॉनिटर भी करता है कि रियल टाइम में यह हर रोज़ कितनी बिजली बनाई जा रही है। इसका सोलर ट्री एक सबसे बड़ा उपयोग खेती के लिए किया जाएगा, जिसमें इंटरनेट पे चलने वाले इक्विपमेंट, CCTV कैमरा, पानी की पंप, रियल टाइम ह्यूमिडिटी चेक करने का यंत्र, हवा का स्पीड मापने वाला यंत्र, बारिश का परीक्षण करने वाला यंत्र और मिट्टी का परीक्षण करने वाला यंत्र, इन सब का जो इलेक्ट्रिक पावर पे चलाए जाते हैं, वह सब सोलर ट्री के जो बिजली बनाई जाएगी उसके ऊपर ऑपरेट होंगे। मतलब खेती में जो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है लाइन से, वो लाने की ज़रूरत नहीं है, इसके वो खर्चा बच जाएगा। और दूर दूर खेतों में दूर दूर एरिया में जो बिजली नहीं पहुंच सकती, वहाँ पे यह सोलर ट्री काम आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।